हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं सफाई अभियान से, क्योंकि नायश और इसके दो भाइयों ने किचन के बुरे हाल कर दिए। किचन में बहुत सारा सामान फैला रखा है, तो वो सबसे पहले किचन को साफ करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता ही है कि जब भी कोई गेस्ट आता है, कोई भी आएगा, कोई गाँव का आएगा घर में बैठने, तो वो किचन में आकर ही बैठते हैं। तो किचन हमेशा हमारी साफ ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले किचन की सफाई करते हैं और उसके बाद बाकी का काम करते हैं। फ्रेश हो जाते हैं, आजकल गर्मी इतनी ज्यादा है ना यहाँ पर शिमला में भी कि हर कभी पसीने छूट जाते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि मैं आजकल क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स जो है वो यूज कर रही हूँ, तो ये मेरे पास है क्योर स्किन का फेस वॉश। तो ये एक फोम फेस वॉश है, ये देखिए इस तरह से। मुझे ये फेस वॉश स्पेशली बहुत ज्यादा पसंद आया, बिल्कुल डीप क्लींस ही आपकी स्किन को करता है। इस तरह से एक बार आपको पंप करना है और इसको यूज़ करना है। सो बहुत सारे लोग मुझसे क्योर स्किन के बारे में पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। क्योर स्किन एक ऐप है जिसके ऊपर कि आप अपनी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो, उनके साथ चैट कर सकते हो। और अगर मैं अपना बताऊँ तो मुझे पिगमेंटेशन की दिक्कत है और इस वजह से मैं ये क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स आजकल यूज़ कर रही हूँ, जो कि मुझे काफ़ी फायदेमंद लग रहे हैं। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो भी आप अपने फेस को साफ करने के लिए टॉवल यूज करते हैं या कोई क्लोथ यूज करते हैं, वो हमेशा साफ होना चाहिए और अलग से टॉवल रखना है अपने फेस को साफ करने के लिए। और इसके बाद जो पानी वेस्ट हो रहा था, डोंट वेस्ट द वाटर, हमेशा ध्यान रखें। और इसके बाद मुझे डे में जो करना है वो है ये सनस्क्रीन, क्योर स्किन का सनस्क्रीन, जो कि मुझे पी साइज में लेना है और अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। रेडी टू गो आउटसाइड। जी हाँ, जो सनस्क्रीन होता है ये हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आपको घर से बाहर निकलना हो, आउटडोर जाना हो, तो सनस्क्रीन को कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि जो सनरेज होती है ना, सबसे ज़्यादा यही हमारी स्किन को डैमेज करती है। खासकर से जो ये पिगमेंटेशन होती है, ये हमें सन में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उसकी वजह से होती है। तो हमेशा सनस्क्रीन को अप्लाई करें, आप कोई भी कंपनी का करें, बट हाँ ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा मुझे एक और चीज़ आपको बतानी है कि हमारी स्किन के ग्लोइंग होने में और हेल्दी होने में हमारी डाइट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप लोग क्या खा रहे हो, आप लोग एक बैलेंस डाइट ले रहे हो या नहीं, आप पानी कितना पी रहे हो दिन में, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो क्योर स्किन के ऊपर आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे जो कि आपको आपका डाइट चार्ट भी बताते हैं, वो एक प्रॉपर आपको बताते हैं कि आपको अपनी जो डाइट है उसमें क्या क्या आपको इंक्लूड करना है, पानी आपको कितना पीना है। सो गाइज, अगर आप लोगों को स्किन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, आपको पिगमेंटेशन है, पिंपल्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, कोई भी आपको दिक्कत हो, तो आप लोग ज़रूर क्योर स्किन ऐप का यूज़ करें, क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड करें और उसके बाद आपको वहाँ पर डॉक्टर्स मिल जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, जिनके साथ कि आप डायरेक्ट चैट कर सकते हो, अपनी जो भी आपको प्रॉब्लम है फेस की वो आप उनको बता सकते हो। कोई भी आपको क्वेरीज हो, आपको डाइट से रिलेटेड कुछ पूछना हो, तो ईजिली आप लोग पूछ सकते हैं। तो इधर देखिए, दादी के साथ ये दोनों दुष्ट बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे पता है ये ना चिज्जी खा रहे होंगे। नायशा दिखाओ जरा क्या कर रहे हो आप, क्या खा लो आप, बताओ जल्दी छे मामा को। ये दिया था मैंने, बिस्कुट नहीं खा रहे। दादी ना इनको चुप चुप के चिज्जी देते और नहीं। दादी बोल रही है चिज्जी मांग रही है, पर मैं बिल्कुल नहीं दे रही, मैं बिल्कुल सख्त बन के बैठी हूँ, उसको चिज्जी नहीं दे रही। पर एक्चुअली ऐसा है ना, दादी बिल्कुल सख्त नहीं बन सकते, दादी पिघल ही जाते हैं, मतलब ये तीन चार बार बोले तो दादी दे ही देते हैं बेचारे। और ये नायशा तो इतनी चालाक है, ये दिन में 10 बार जाती दादी के पास चीजी मांगनी। इसको मौसम मैं आपको आज का दिखाऊं तो मौसम बिल्कुल साफ आज है, ये देखिए धूप आज लगी है और गर्मी बहुत ज़्यादा आज है, क्योंकि बारिश के बाद जब धूप लगती है ना तो गर्मी ज़्यादा हो जाती है। और ये देखिए नीचे खेत में आपको कुछ ये चमकती चमकती तारें दिख रही होंगी, तो आप ये मत सोचिएगा कि उधर शादी शादी कोई है। एक्चुअली ये ना जो तोते होते हैं ना, बहुत सारे तोते झुंड में आते हैं और जो सेब हैं उनको खाते नहीं, उनको कुतर के चले जाते हैं, थोड़े थोड़े से छेद उनमें करते हैं और एप्पल ख़राब कर देते हैं, बहुत फसल को नुकसान वो पहुंचाते हैं। तो उनको डराने के लिए वैसे ये चीज़ उनको डराने के लिए लगाई होती है, बट अब ना वो चालाक हो गए हैं और बिल्कुल नहीं डरते, उनको पता है कि बस ये तो ऐवे ही हैं। उनको भगाने के लिए ना खेतों में घूमना पड़ता है। कहाँ जा रहे हो आप, ऊपर क्या है?
अब सोने आ जाओ बाबा, जल्दी आओ, शाम होगी सोना पड़ेगा। ठीक है फिर मैं नविश को ले जाती हूँ, निवांश को ले जाती हूँ अपने साथ। मान चलो मम्मा के साथ सोने चलो, चलो सोने चलो मम्मा के साथ। कोई भी नहीं आना चाहता इनमें से सोने भाई। क्या खाया तूने, ये चॉकलेट खाई तूने? चॉकलेट नहीं, बिस्कुट खाया। बिस्कुट खाया तूने? शक्ल कैसी बनाई, आजा मुंह साफ करते हैं। ओके नहाओगे ना आज? सुंदर सुंदर बन जाओगे। अब इसको देर ऐसे रखना पड़ेगा, दरवाजे मिट्टी में जाएगा और नहाने का कोई फायदा नहीं होगा। अब देखिए जी, स्नो का स्नान हो गया मेरे साथ साथ में मेरा भी, तो इसको तो मैं भी नहीं लेता रहा जब चारा स्नो नहा गया तो। हाँ तो अब नहाना ही पड़ेगा, सारे कपड़े तो गीले हो गया। ओ देखो स्नोई को, हाँ आज मजे से नहाए, चू चू नहीं किया आज इसने, आदत हो गई अब इसको। ये किसकी चप्पल पहनी है बाबा नाइचा? किसका चप्पल पहना हुआ ये? किसका चप्पल पहना है आपने? देखिए जी फूल बने हुए यहाँ पर 8 या 9। कैच करो शाबाश, वेरी गुड। मार भाई कैच करो अभी। सबसे बड़ा बबल फुलाने की पर फूट गया। अरे 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 थोड़ा जोर से, अरे अंकित। ये देखिए जी, अभी इतना अंधेरा हो चुका था और देखिए हमारे को शाम के टाइम को ये मिला है। तो आजकल बरसात में आपको मैक्सिमम टाइम मिल जाएंगे ये सांप, इसलिए जब भी आप चलें तो आप सोच समझ के चलें। ये देखिए पैरासा, इनको छेड़ना नीचे बेचारो को, इनको जाने दीजिए। देखने के टाइम क्या हुआ अभी? 7:42 इतनी देर की, 7:45 हो गई थी। अंधेरा देखिए आप कितना हो चुका है, इसलिए आजकल बरसातों में जब भी चले तो प्लीज़ संभल के चलिए। ये देखिए कितना सुंदर है ये, पर हम इसको जाने देंगे बेचारे को, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। चल बेटा जा 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 जा। देखिए मिट्टी में तो फिर भी चल पड़ते हैं, पर अगर आप इनको मेटल रोड में देखेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल होते हैं इनको चलने में। ये देखिए चल भाई, चल चल निकल। कौन सा है निकली? क्या लगता है तेरे को? लाइन में तो नहीं है। काफी सुंदर, पर जा बेटा चल जा, निकल जा निकल जा निकल जा। और ये हमारी नजरों से ओझल होते हुए धीरे धीरे, चला गया।